लेकर आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है गुजरात फर्स्ट लग्जूरियस हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन जर्नी अहमदाबाद टू कावेरिया स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिवर्सिटी एनीवे गाइस देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोगी चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एकता नगर रेलवे स्टेशन पे और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं भाई गुजरात की पहली हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन में और वेस्टर्न रेलवे की पहली। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनॉग्रेट रन होने वाले और आपको भाई कवर करके ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह के 7 बज गए हैं भाई, आपका भाई 4 बजे यहाँ पर आ गया था। क्या चमचमा रहा था रेलवे स्टेशन, आपको क्लिप दिख ही रही होंगी। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट किया, आधा पौना घंटा मोबाइल चार्ज किया, लेकिन नींद नहीं ली यार। नींद भी छोड़ो, क्योंकि आज की जर्नी करेंगे ना बहुत ही बढ़िया। और आपने अभी तक ऐसी हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन नहीं देखी होगी, क्योंकि ये है बहुत यूनिक। इसमें आपको देखने को मिलेगा भाई डाइनिंग कार, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो पूरा मजा लेना, पूरा एंड तक देखना वीडियो। इसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, टाइमिंग, फेयर, रूट, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं इस धमाकेदार जर्नी की शुरुआत। जी आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इसका इंटीरियर। ये बाद में दिखाएंगे, बहुत खास है ये। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस चेयर कार का इंटीरियर। जी तो भाई आ चुके हैं इस हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन के चेयर कार के अंदर और काफी खूबसूरत। मेरे को भाई फर्स्ट इंप्रेशन जैसे मैं घुसा ना, ये जो लाइट है ना यार, ये देखो आपके ऊपर में दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इवन जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो 2x2 का देखने को मिल जाएगा। ये जो सीट्स आप देख रहे हो ना, ये ऐसी लग रही है ना पूरी बंदे वाले जैसी। चलिए बैठते हैं और पहले आपको कंफर्ट दिखाते हैं और एक बार करके। लेकिन मैं घूमती नहीं होगी ना, काफी बड़े है, पुशबैक बढ़िया और ट्रेटेबल भी होना चाहिए इसमें ऐसी। हाँ जैसे आपको पता है एग्जेक्टिव में ट्रैवल करते हैं ना वंदे भारत की, तो ऐसी आपका ट्रेटेबल इधर बाहर निकल जाएगा। और मिडल वाली सीट भाई किस्मत वालों को मिलती है। सही बात है, आज की किस्मत देखते कहाँ बिठाती है हमारे को। यहाँ पर बैठ रहे तो आराम से इसको फोल्ड करें, खाना पीना कर सकते हैं। अब ये चीज भाई मेरे को पहले आई एम नॉट श्योर, आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या वंदे भारत में भी ऐसी होते हैं जो कर्टन है इसको नीचे करेंगे और देख लो आराम आराम से। मुझे नहीं लगता बट यार ये काफी अच्छा लग रहा है, बड़ी है, काफी खूबसूरत मुझे लगा। और बार पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन अभी ना भाई कोच खाली था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अच्छे से इंटीरियर दिखाया जाए। डाइनिंग कार भी है, उसमें भी लेकर चलता हूँ। ऊपर देख लो अपना लगेज रख सकते हैं। हाँ जी तो जी भैया आ चुके हैं, कैसे भैया? विकी भैया आ गए कविक्स वर्ल्ड। आपको पता ही है पहले हमें मिले थे, कहाँ मिले थे अभी बता दो, जयपुर वंदे भारत में। और आप बताओ आपको इसका इंटीरियर कैसा लगा? बहुत रीच लगा, एलिगेंट है, एलिगेंट है ना, काफी हेरिटेज लुक दिया हुआ, हेरिटेज लुक दिया, बेस्ट लगा ना, काफी अच्छा। फर्स्ट हेरिटेज एंड लग्जरी ट्रेन में ट्रैवल है तो अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट तो इस ट्रेन का वो है डाइनिंग, मजा आ जाएगा। अभी ट्रेन चलेगी ना तब आपको अलग ही फील आने वाला है। बाकी आपको उसका भी इंटीरियर दिखाया था, लेकिन मुझे बहुत ही प्रीमियम लगा, साथ में जो रेड कार्पेट पूरी ट्रेन में लगाया हुआ। बाकी इस कोच के बाद सबसे तगड़ी चीज लगी मुझे वो देख लो, ये वन कलर चेंज हो गया, फिर हो गया चेंज, ये बंद हो गया, फिर दबाया ये और इसके जो गेट्स है ना भाई पूरा ऐसे लग रहा है ना महाराजा एक्सप्रेस के जैसे गेट्स होते हैं, बहुत सही लग रहा है। और ये एसी के कंट्रोल्स हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा भाई पूरा ऐसे होटल के कबर्ड्स होते हैं ना वैसे ही बनाए हुए हैं। भाई टाइम देख लो 7:40 हो गए हैं और लगभग देख लो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं जो भी आज इन्वाइटेड है। अंदर से ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आज, और ये देख लो ये है भाई लोकोमोटिव। आगे से भाई मैंने आपको दिखा दूंगा, आपको लग रहा होगा ना पूरा स्टीम लुक लग रहा है, बट ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन पूरा अंदर स्टीम का फील देगा आपको। साउंड भी सुनाऊंगा साथ में, स्मोक भी निकलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड पे आ गया और आप देख लो ये ऊपर ये नजर आ रहा है, लोकोमोटिव देखने को मिल जाएगा। मतलब इस ट्रेन के दोनों साइड पे आपको लोकोमोटिव देखने इलेक्ट्रिक पर लाइव चल रहा है, अभी परेड चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है, यहाँ पर परेड चल रही है। और आप सोच रहे होगे यहाँ पर होके कहाँ चल रही है, तो वो मैं बता देता हूँ, पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। चलिए जी फाइनली देख लो भाई 10:35 हो चुके हैं और वर्चुअली यहाँ पर मैं बता देता हूँ जहाँ पर स्टेचू है ना उधर वहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देख लो अच्छा। पूरी मीडिया देख लो यहाँ पर, जय भारत पता की जय वंदे
मातरम वंदे मातरम। चलिए जी फाइनली निकल चुके हैं हम एकता नगर रेलवे स्टेशन से। लो भाई निकलते हैं, यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। आज फर्स्ट डे है तो यहाँ पर एक पानी की बोतल मिली, साथ में एक बॉक्स सोफा, एक बड़ा बॉक्स दिए छोटे भाई बड़े भाई, बाकी देखते हैं इसमें क्या है। एक बार सबको सर्व हो जाए, डाइनिंग है ना। स्टाफ देख लो, आज काफी स्टाफ भी है इधर। हाँ ये अच्छा है, मैं वेजिटेरियन हूँ ना। मस्त, अच्छा प्योर वेज आप भी। अच्छा निकल चुकी है, बात कर लेते हैं ट्रेन की टाइमिंग। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रेन नंबर 09409 ये चलती है सुबह 6:10 पे अहमदाबाद से। सिर्फ संडे को चलेगी, वीकली ट्रेन है अभी, और आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे 3:40 में एकता नगर, लगभग 9:50 या 40 के नियर अबाउट। और रिटर्न में चलेगी रात में 8:35 पे, और आप अहमदाबाद पहुंच जाएंगे 12:05 पे रात को। रीजन ये रात चलने का क्योंकि यहाँ पर आपको पता है लोग जो घूमने आते हैं सुबह, टूरिस्ट ट्रेन है तो यहाँ पर सारा दिन घूमेंगे। एक लेजर शो होता है यहाँ पर, मैंने कभी देखा नहीं, अगर आपने देखा तो कमेंट सेक्शन में बताना। उसके कारण इस ट्रेन को वैसे टाइमिंग सेट किए गए। और अगर मैं फेयर की बात करूँ तो इसमें चेयर कार का फेयर है लगभग 900 रुपए, फूड कैटरिंग कुछ भी इंक्लूड नहीं रहेगा। लेकिन ये पीछे देख रहे हो ना, ये डाइनिंग एरिया अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ। यहाँ पर बैठो आराम से खाना पीना करो, और जो हमारी सीट है ना वो आज इसी में ही है, पर ठीक है खड़े होकर जर्नी करेंगे, मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का जो सबसे खास चीज है वो है इसका डाइनिंग एरिया। तो आओ काफी बड़े, वैसे मैंने आपको अगर गुजरात किया था तब मैंने आपको एक डाइनिंग कार दिखाया था ना, लेकिन भाई हेरिटेज है तो इसका फील भी बहुत अच्छा दिया गया, अच्छे से दिखाते हैं एक बार आगे। यहाँ पर देख लो बैठने का पूरा स्पेस बनाया हुआ है, काफी लोग यहाँ पर भाई लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं खाना, तो बैठने का अच्छा स्पेस बनाया हुआ है। और क्या बढ़िया, कौन सी बता रहे थे मुझे, वुड का जो फर्नीचर है ना काफी बढ़िया, ये हो गया पेंट्री एरिया। आराम से यहाँ पर बैठो और विंडो से देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, और ये गेट लगा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते, पेंट्री रूम है। लो ये ब्रोशर मिला है आज, तो मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। लेकिन एक ये सुवेनियर टिकट भी दिया गया, आपको पता है जितने भी इनॉग्रल में हम जाते हैं तो वहाँ पर एक ये स्पेशल सुवेनियर टिकट दिया जाता है, बट मैंने मिस कर दिया आज, मेरे को तो नहीं मिला, भाइयों का चोरी करके एक बार वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और ये ब्रोशर में सब कुछ मेंशन इस ट्रेन के बारे में, तो आप ऐसा करो एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना। और ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको वडोदरा के आसपास दिखाऊंगा, ये बहुत खास चीज़ है इस ट्रेन में, आगे और पीछे दोनों साइड पे ये है, ये है सेल्फी पॉइंट, बात कर ही रहा था, मेरे को भी फाइनली मिल गई, सर ने दे दी टिकट, तो ये भाई लेकर जाएंगे अपने घर। थैंक यू भैया सो मच, जो जो वडोदरा से देख रहा है बताना जरूर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है जगदीश। आई गेस इसमें 2-3 तरह के आउटलेट कुछ है ना, कलर बहुत सारे, बहुत ज्यादा है, तो ये भाई अच्छा यार बहुत बढ़िया, तो देखते हैं इसको। तो देख लो यहाँ पर एक टिश्यू मिल जाएगा, साथ में कैशियो हो गया, दिस वन इज पता नहीं मिक्सचर है ये, अच्छा होल ग्रेन मिक्सचर है, एंड चॉकलेट जूस, और ये क्या गुलाब जामुन, ये कचौड़ी, और बाखरवाड़ी है ना, ये बाखरवाड़ी है, केचप। यार देखते हैं वडोदरा में कुछ खाने को मिलेगा, इसमें मुझे लगा थेपला है बट थेपला इसमें नहीं है, जो सुबह एक बॉक्स दिया था वो मैंने दिया नहीं। अभी मैं आ गया हूँ आखिरी कोच में, और ये जो इस ट्रेन का वो सबसे खास चीज देख लो, ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, मैंने आज तक लगभग 250 ट्रेन पर ट्रैवल किया, ऐसी चीजें नहीं कहीं देखी, बहुत यूनिक बनाया। और देख लो ना ऊपर ग्लासेस लगे हुए हैं, पेंटो दिख रहा है यार, क्या वाइब्स है, एसी लगा हुआ है यहाँ पर। सर हैं, सर आपका नेम क्या है? बारिश है। माय नेम इज विकास कुमार। ओके, आई एम डिविजनल कैरेज वैगन इंस्पेक्टर इन बारिश। ओ थैंक यू सर, आपका नेम क्या है? ओके ओके मुकेश। ओके ओके सर, आप हम तो देखो रिव्यू देते हैं, बताते हैं आपको कैसा लगा सर? मैंने भी अपने इतने सालों की सर्विस में ये फर्स्ट टाइम देखा है, और जिन लोगों को जो हम भूल गए थे, जो यंगर जनरेशन लाइक यू पीपल हैव नेवर एवर सीन या कभी म्यूजियम में देखा होगा, जी जी, नाउ यू कैन सी एटलीस्ट ए प्रोटोटाइप ऑफ दैट, एंड इट्स गुड टू सी आवर हेरिटेज, एंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज एंड लेटेस्ट फैसिलिटीज, सो वी विल बी रनिंग विद दिस ट्रेन विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड ऑल इट्स Yes sir, I just saw the interior of this coaches na, it's amazing seriously, heritage jo name hai na usko prove karke dikhaya hai, aur ye jo vibes diye hai dekho na kya
मस्त लग रहा है। टाइम देख लो 12 बज गए हैं और ट्रेन पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन में। वे निकले थे वडोदरा में लगभग, मैं 2 बजे आ गया था यहाँ पर और वापस से वडोदरा आ गए हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ इसका ऑफिशियल होल्ट नहीं रहने वाला, जब भी आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे नॉन स्टॉप जाएगी ये एकता नगर और अहमदाबाद के बीच में। आज स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर डिबोर्ड कर रहे हैं। ऐसे मैं बता दूँ यहाँ पर गेट ज्यादा इसलिए मैं नहीं खोल के आपको दिखा रहा क्योंकि अलाउड नहीं है आज गेट खोलना ज्यादा, जितना हो रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस पुल पे चल रही है, पिछले भी आपको इंजन दिखाया था, अगले साइड पे भी इंजन है, तो मतलब इसका क्या एक्सेलरेशन हो रहा है। मैक्सिमम स्पीड इसकी शायद 75 टू 77 ही। वडोदरा से निकल गई है ट्रेन और अंदर फूड सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं बेहतरीन, लेकिन हम आगे जाएंगे और आगे दिखाएंगे आपको फूड। बट उससे पहले मैं दिखा दूं, हर एक कोच में आपको ये मिनी पेंट्री रूम दिख जाएगा। तो आ जाओ भाई एक बार आपको दिखा देते हैं। तो देख लो ऐसा कुछ है ये मिनी पेंट्री रूम, यहाँ पर फूड रखा जाता है, पानी ठंडा छाछ पड़ा है, आज मिलेगा। अच्छा खाने का आउटलेट ही वह होट केस वो के अपने कोच में आया हूँ मैं और टाइम देख लो 12:30 हुए हैं और यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है फूड की, फूड मिल गया है और यहाँ पर छाछ दी जा रही है। हाँ जी तो भाई आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में, तो देख लो यहाँ पर मिरर नीट एंड क्लीन, बिल्कुल टैप में पानी आ रहा है, सोप रखा हुआ है, लेकिन वॉशरूम देख लो काफी नीट एंड क्लीन है। आपको पता है यार इनॉग्रल रन है, वैसे आगे देखते हैं अगर आप ट्रैवल करोगे तो बताना जरूर इसकी क्लीननेस कैसी रहती है। यहाँ पर आपको पता है हैंगर दिया हुआ है टॉवल के लिए, लाइट फर्स्ट क्लास चल रही है और स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही, बैड स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये मुझे सही लगता है। रेड कार्पेट लगा हुआ है ना तो अच्छा रहता है। भाई अपना आ चुका है लंच, भाई लोगों ने तो खा लिया, कैसा लगा भाई? एकदम बढ़िया बढ़िया। तो ये भी देख लो भाई, ये नाम है तो फिर अच्छा ही होने वाला है, अच्छा होने वाला है। चलो फूड में क्या क्या मिला है, तो ये है थाली और एज ऑलवेज आपको पता है इनॉग्रल पे मोस्टली आपको वेज ही मिलेगा, नॉन वेज तो वैसे भी ट्रेन में फूड इंक्लूड नहीं है। तो भाई थाली तो यार पैकेजिंग ही बहुत तगड़ी की हुई है, बहुत भूख लग रही थी। दाल फर्स्ट क्लास है, वैसे मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मिला हमें। चपाती है, राइस दाल, पनीर की सब्जी है, ये शायद कोरमा टाइप है, ये भी दाल है। मैं आपको बता स्पाइसी नहीं खाता लेकिन टेस्ट एक नंबर है, बहुत बढ़िया लगा मुझे, थोड़ा तीखा है जस्ट फॉर मी। खाना तो खा लिया मैंने, अब ये है मोहन थाल स्वीट में, इसको टेस्ट करते हैं। आप बनाया यार, लो अभी आने वाला है अहमदाबाद और यहाँ से जा रही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, दिस वन इज स्लीपर वन, इसमें भी ट्रैवल करेंगे यार एक दिन ना, काफी लोग कह रहे थे लग रहा है। चलिए जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन, टाइम देख लो इट्स 1:47। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल ठीक सीट के बाजू में आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो ये रहा, ठीक है फुटरेस्ट हो गया और ये हो गया मैगजीन होल्डर, तो ये भूल गया था बताना। चलो जी चलते हैं, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर भाई टाइम हो गया है लगभग 2 बजने वाले 1:55 पे, मजा आ गया यार जर्नी करके। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते तो रिकमेंडेड 100% ट्रैवल करना। और यहाँ पर देख लो ट्रेन पहुंची है तो भाई सब भाई लोग अपने फोटोज करवा रहे हैं। कैसी लगी? बढ़िया। कैसी लगी मैम आपको जर्नी? बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया ना, मतलब टाइम पता भी नहीं लगा, कब खाते पीते पहुंच गए, स्मूथ जर्नी मजा आ गया। यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा कैप्चर किया वो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ से स्मोक भी निकलता है और जो इन्होंने साउंड रखा ना वो भी पूरा स्टीम इंजन जैसा रखा हुआ है, बट ये स्टीम इंजन नहीं है, मैं पहले बताया था, इसको मॉडिफिकेशन करके स्पेशल हेरिटेज फील देने के लिए ये लोकोमोटिव बनाया। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, चैनल पे नए मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हो वो जरूर बता देना। अगर आप प्लान कर रहे हो इस ट्रेन में ट्रैवल करने का सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी कुछ और पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, जर्नी से देखे रिप्लाई कर देगा आपका भाई, कुछ भी पूछना है बता देंगे। हाँ जी जर्नी से देखे चेक कर लेना, आप भी आ गए चैनल पे, वीडियो 1 घंटे में लाइव हो जाएगा, ठीक है जी, फॉलो करेंगे आपको। हैं? हम तो आपको पक्का फॉलो करेंगे। चलो थैंक यू सो मच, चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अब साथ में जय हिंद बोल देना, तब तक टेक केयर, बाय बाय। भाई इंडियन रेलवे की तो आप जितनी तारीफ करें ना भाई उतनी कम है, क्योंकि भाई आपको इतनी डिफरेंट डिफरेंट अभी इंडिया में जो है ना ट्रेनें देखने को मिल रही हैं, लग्जरी ट्रेन, यानी कि हर बंदे के लिए जो है ना आपको ट्रेन देखने को मिल रही है। और अब मैं टूरिस्ट ट्रेन की अगर बात करूँ ना
तो पहले आपको सीजनल ट्रेन्स देखने को मिलती थी, जैसे महाराजा एक्सप्रेस हो गया या रॉयल चैरियट होगी, या आपको वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलती हैं। लेकिन भाई ये वाली जो बना दी गुजरात लग्जरियस ट्रेन, इंटीरियर कमाल, अंदर सर्विसेज बहुत अच्छी, और भाई मैं कहूँगा कि जो उसकी लोकोमोटिव की लुक निकाल ली है बेस्ट है। वेल सबसे पहले मैं बोलूंगी मेरे लिए लोकोमोटिव की लुक जो है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो काफी यूनिक तरीके से पता ही नहीं चला इन्हें इलेक्ट्रिक है। हालांकि मैंने जब मतलब वो स्टार्टिंग में दिखा रहे थे ना, हाँ। तो मुझे भी वो वायर्स वगैरह नजर आई हैं ऊपर से, लेकिन फिर मैंने ना मतलब मैं फिर भी इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाई, इंजन स्टार्ट नहीं ना, इसलिए धुआं नहीं निकल रहा, फिगर आउट ही नहीं कर पाई भाई, मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन ये कि मैं कहूँगी ये बहुत ही यूनिक आइडिया कि किस तरीके से आप टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, और सबसे बेस्ट चीज़ संडे वाले दिन ये ट्रेन चलाई गई है, और जो टाइमिंग सेट की गई है लोगों की, आप कह लो कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि लोग जब फ्री होंगे उधर से वो वापस आ जाएंगे, इन बिटवीन रास्ते में आप अपना फूड इंजॉय करें, अपनी जर्नी इंजॉय करें। आई मीन एक तो मुझे इंटीरियर कमाल का लगा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा रॉयल इंटीरियर लगा है, और जो बीच में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, मतलब वो कितना यूनिक आइडिया है। हालांकि वैसे इसमें बस वो आप कह लें कि वो नहीं है, बेड्स जैसे आपको देखने को मिलते हैं लग्जरी ट्रेन में, वरना अगर आप देखें ना जो इंटीरियर का कलर है वैसा ही है, वैसा ही है, और जो है ना जो आपको जो वुड वर्क बीच में दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इंजन की अगर बात करें तो भाई आप सही मायने में कह सकते हैं कि हेरिटेज ट्रेन है, बेशक क्या नाम लेते हैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, एक प्रोटोटाइप जो है वो बनाया गया स्टीम इंजन और वो इलेक्ट्रिक इंजन को कंबाइन करके, लेकिन लोगों के अंदर, क्योंकि बाकी आज के जनरेशन की बात करें तो आपको जो है या तो म्यूजियम में दिखाई देते हैं, अगर यहाँ पाकिस्तान में बात करें तो जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, जो बड़े बड़े जंक्शन हैं, उनके बाहर आपको खड़े हुए स्टीम इंजन जो है वो एक तरह के सेल्फी पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग भूल चुके हुए हैं कि भाई किसी टाइम पे स्टीम इंजन भी जो है वो हुआ करते थे। तो भाई मेरा ख्याल है कि एक बेस्ट जो है ना ये चीज़ बनाई गई है कि लोगों को याद रहे। पाकिस्तान की मैं बात करना चाहूँगी, 1947 से पहले भी सारी चीज़ें भूल गए हैं और उसके बाद की भी सारी चीज़ें भूल गए हैं। नहीं, इन्होंने भी चलाई थी सफारी ट्रेन, चलाई थी पिंडी से आगे, पिंडी से यानी कि अटक तक चलाई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि भाई मैनेज उस तरीके से नहीं किया जाता, जैसे इसे आपको अगर देखे कि भाई सुबह के टाइम निकलेगी, ठीक है ना, टूरिस्ट को लेकर निकलेगी, आप पूरा दिन वहाँ पे घूमे फिरे जो करना, फिर शाम को जो आखिरी लेजर शो होगा वो लाजमत है, उसके बाद भी कुछ टाइम दिया जाएगा कि भाई लेजर शो खत्म हो गया, आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद टाइमिंग सेटिंग की गई और वापस आ जाए। तो ये देखे ना आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलती है। मैनेजमेंट करने की जरूरत है, सिर्फ स्टार्ट नहीं करना होता, उसको मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेतुकी आप चलाएंगे ना तो वो फिर जो है लोग उस पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स भाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती, कितनी एग्जाम्पल्स जो है वो बताएं तो, लेकिन जो है वो मैनेजमेंट होना, टाइम सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी भाई मुझे ट्रेन तो बाकी में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत है खूबसूरत। मेरा खुद बहुत ज्यादा दिल करता है कि ना जितनी टाइप्स की हम देखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की आपको ट्रेन नजर आती हैं इंडिया में, तो आपका खुद भी मन होता है कि भाई हमें भी ट्रैवल करने का कभी ऐसा मौका मिले, क्योंकि आप इंजॉय करते हो जर्नी, मतलब इतनी ज्यादा, अगर हम देखें मौसम, हम लोगों ने रामायण से रिलेटेड रामायण एक्सप्रेस एग्जैक्टली, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जो यंग जनरेशन है ना उसको इसमें बड़ी एक आप कह लो कि इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, कि किस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया, इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अभी जैसे इस ट्रेन की बात की जाए तो भाई आपको एक हेरिटेज जो है वो पूरी वो दी जा रही है। रामायण एक्सप्रेस की अगर बात करें तो उसमें जैसे जैसे आपको दर्शन कराए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, तो वो आपको जो है एक प्योर वाइब्स जो है आपको देती हैं। भाई सबसे मजे की चीज जो है ना ये होती है कि आपको एक पैकेज दे दिया जाता है और उस पैकेज में सब कुछ जो है वो इंक्लूड होता लेकिन है। खाना, इसमें खाना नहीं है, उन्होंने बोला है इसमें खाना नहीं है, आई थिंक टिकट में वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। चले अगर खुद भी लेना पड़ेगा तो भाई मेरा ख्याल नॉमिनल प्राइसेस ही होंगी, इंडियन रेल में आपको जो है ना ज्यादातर नॉर्मल प्राइस जो है वो चार्ज है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ था जिसमें जो है ऊपर से बिल्कुल ही शीशा लगा हुआ था, सेल्फी पॉइंट उन्होंने बोला, तो मैंने ये तो कहा कि वो वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि बहुत ही यूनिक था, बहुत यूनिक, और क्योंकि उसमें भी अगर आप देखा जाए तो गुजरात का कल्चर जो है वो आपको दिखाई देता है। फिर एक चीज की और मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो आपको इंडियन रेलवे में जो है ना भाई मुझे खास तौर पे वो बहुत अच्छी लगती है कि भाई स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जैसे जो है लोग खड़े हुए थे ना, हम स्कूल से ट्रेन भी चल रही थी वो भी आराम से खड़े हुए थे कि भाई जैसे जो है ना एक
यू नो बिल्कुल बैलेंस वो चीज आपको देखने को मिलती है। और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी थी जो सेल्फी वाली एक जगह बनाई हुई थी वहां पर, ऊपर सारा ग्लास का था और वहां पर भी उन्होंने एसी लगाया हुआ है कि लाइक जो टेम्परेचर है उसको वो सेट रहे। और वॉशरूम की बात करें तो वैसे तो अभी नई ट्रेन है तो वॉशरूम बहुत साफ सुथरा है, तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि भाई जब मजीद रन करेगी। वैसे तो इंडियन रेलवे में आपको ये देखने को मिलता है जैसे राजधानी ट्रेन हो गई शताब्दी देख लो, उसमें आपको जो है वॉशरूम साफ ही देखने को मिलते हैं, तो ये भी साफ ही रहेगा। बिल्कुल मुझे वैसे अच्छा लगा काफी ज्यादा वॉशरूम, बाकी मुझे लगता है वॉशरूम सबसे ज्यादा साफ होने चाहिए। सही बात है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ना लोगों की भी बनती है, और फिर भाई वॉशरूम से निकल कर अब आ जाते हैं, हालांकि पहले खाने पे जाना चाहिए था, पहले वॉशरूम पे आ गए। खाना जो था वो भी काफी ज्यादा मुझे टेम्पटिंग लग रहा था, लाइक मैं वैसे मीठे की कम शौकीन हूँ, मुझे जो प्रॉपर मील है वो ज्यादा अच्छा लगता है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रॉपर मील ही उन्होंने दिए बीच में भी, पहले तो मीठा था ना, फिर उसके बाद मील आया है। So, वो मतलब पैकिंग बहुत अच्छी थी और मुझे लग रहा है कि टेस्ट भी जो है ना वो काफी अच्छा था। मुझे लगता है ट्रेन के चलने की खुशी में जो है ना पहले मीठा दिया है और बाद में खाना दिया, तो अब जब दोबारा आप जाएंगे तो आपको पहले खाना देंगे, बाद में अगर मीठे के पैसे बचे तो भी खा लीजिएगा। वेल वो तो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे कि आप कितना उसको कर सकते हो अफोर्ड। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन इस ट्रेन पर ट्रैवल करना चाहता है, जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज्यादा बाय।